दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन जारी है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रिपोर्ट देखें। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने मामले में स्कूल के प्रिंसिपल अफसर शेख सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रिंसिपल के साथ ही स्कूल का शिक्षक अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम अली जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस फरार प्रबंध संचालक की तलाश में जुटी हुई है। एसपी का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों को लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आ रही। ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी बयान आए थे, बयान आने के बाद जो साक्ष्य एकत्र हुए थे, जिसमें प्राथमिक तौर पे हमने अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ के लिए प्रबंधक के लोगों को बुलाया था, तो जो प्रबंध समिति है, तो प्रबंध समिति के लोग पिछले 2 दिन से इधर उधर भागे फिर रहे हैं और इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग आए, अपना पक्ष रखें, और इस कारण से पुलिस अपना काम कर रही है। एक प्रिंसिपल हैं जो अफसर शेख नाम है, दूसरा एक टीचर हैं अनस अतहर है, और एक चपरासी जो मूलतः बच्चे जब स्कूल में जाते थे उनका कलावा खुलवाने वगैरह का कार्य करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय भेजा, जिसमें न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वकील का कहना है कि इनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एमपी धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। गंगा जमुना मामले में जो काफी एक दमोह का सेंसेशनल मामला है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर दमोह कोतवाली पुलिस ने पेश किया था न्यायालय में, और इसमें हमने आज जो जमानतें लगाई तो मालूम चला कि 295 का 506, 75 और 87 जुबिनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके बाद आज इस मामले में धारा 3-5 धार्मिक अध्यादेश का जो एक मध्य प्रदेश का एक्ट है, इसमें इजाफा करके ये मामले में अभियुक्त गण को पेश किया गया था। हमने जमानत आवेदन लगाया और उसके साथ में जो उनका पक्ष था उसको सामने रखा, लेकिन आज न्यायालय ने ये पाया है कि इन्हें जमानत अभी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जो न्याय प्रणाली है, अब हमारे पास इसके बाद सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट के बाद अन्य अपीलीय अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, तो उसको लेके हम आगे की न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। पुलिस FIR में नामजद स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार एक्शन में है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर भी दबिश दी थी। गंगा जमुना स्कूल की प्रबंध समिति में मुस्लिम मेंबर्स के अलावा हिंदू और जैन समाज के लोग भी हैं। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैन समाज के एक व्यापारी और गंगा जमुना ट्रस्ट के ट्रस्टी शैलेंद्र जैन के घर पर भी दबिश देकर उसके बेटे और भतीजे को थाने ले गई थी, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध जाहिर किया था। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने के खुलासे के बाद गंगा जमुना स्कूल से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर चुकी है और प्रबंध समिति के सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आशीष जैन, न्यूज 18 दमोह।